हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। मैं हूं आपका होस्ट विकास। आज की वीडियो में माता वैष्णो देवी यात्रा के बारे में आपको जो अपडेट देने जा रहा हूं वह काफ़ी बड़ा अपडेट है, जो कि सभी श्रद्धालुओं को काफ़ी खुश कर देने वाला है, क्योंकि अब बनने जा रहा है कटरा से अर्थ क्वारी तक का रोप वे केबल कार। क्या है पूरा अपडेट इस वीडियो में आप सब देखेंगे, और इसके साथ आपको और भी कई महत्वपूर्ण जानकारियाँ दूंगा, इसलिए वीडियो को आप स्किप मत कीजिएगा प्लीज़। और आप सही भक्तों से मेरा निवेदन है कि आप सही भक्त मुझे सपोर्ट करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। माता वैष्णो देवी की यात्रा को सुगम बनाने के लिए कटरा से अर्धकुंवारी के बीच में रोपवे बनेगा। मंगलवार को माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की 69वीं बैठक में बोर्ड के अध्यक्ष और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के द्वारा इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। उन्होंने यात्रियों की यात्रा को आरामदायक बनाने के लिए माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के द्वारा किए जाने वाले प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं की विश्व स्तरीय आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था भी सुधरेगी और आने वाले समय में श्रद्धालुओं की संख्या में भी काफी बढ़ोतरी होगी। उन्होंने बताया कि श्रद्धालुओं के लिए अभी जो नए दुर्गा भवन का निर्माण किया जा रहा है, उस दुर्गा भवन में स्काईवॉक, आध्यात्मिक थीम पार्क, श्रद्धालुओं की सुरक्षित यात्रा के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। चूंकि यात्रा मार्ग पर श्रद्धालुओं की सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है, इससे आने वाले समय में रिकॉर्ड तोड़ संख्या में श्रद्धालु देश विदेश से माता वैष्णो देवी की यात्रा पर आ सकेंगे। कटरा से अर्धकुंवारी के बीच में शुरू होने वाले रोप वे की लंबाई 1281 मीटर होगी। इस अपडेट के अनुसार माता वैष्णो देवी की यात्रा पर आने वाले करोड़ों भक्तों के लिए यह एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि अब कटरा से भवन तक की यात्रा काफ़ी आसान हो जाएगी, और उन श्रद्धालुओं के लिए जो कि काफ़ी बुजुर्ग हैं, जिनको चलने में दिक्कत होती है, तो वो इस रोपवे के द्वारा अपनी यात्रा को काफ़ी आसानी से कर पाएंगे। अभी हाल फिलहाल डेली माता वैष्णो देवी की यात्रा पर 20,000 श्रद्धालु दर्शन करके आ रहे हैं। इसके साथ कोविड की क्या गाइडलाइन है उसके बारे में भी आपको बता देता हूँ। आपके पास सिर्फ दो ऑप्शन है, या तो आप अपने स्टेट से अपना RT-PCR का टेस्ट आप करवा कर आएँ, और 72 घंटे की अवधि के अंदर आपको कटरा पहुंचना है। अगर आपको दोनों डोज लग चुकी हैं तो आप दोनों डोज का सर्टिफिकेट अपने साथ कैरी करके लाएं। हैंड सैनिटाइजर, फेस मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखें। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आप अपनी यात्रा को काफ़ी आसान बना सकते हैं। और इसके बाद भी अगर आपके मन में यात्रा को लेकर कोई सवाल हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। और आपसे भक्तों से निवेदन है कि इस वीडियो को आप चाहे ज़्यादा मात्रा में शेयर करें, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। और ये थे कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स। माता वैष्णो देवी यात्रा के बारे में और भी कोई महत्वपूर्ण अपडेट आता है तो मैं आपको जरूर अपडेट करूंगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए अपडेट के साथ। थैंक्स।